वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं रजत नागपाल आज आपके सामने फिर से आया हूँ करंट अफेयर का सेशन लेके। और आज है 7 अप्रैल और आज के सारे करंट अफेयर्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आप घरों में सेफ हैं। अब तो सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है लॉकडाउन का, और अगर इसे ये एक्सटेंड भी होता है तो प्लीज़ इस लॉकडाउन को तोड़िएगा ना, सभी मिलकर साथ देंगे तभी इस डिसीज़ को हरा पाएंगे, ठीक है गाइस। और इसको सब मतलब फ्री समय मत समझिए, इसको यूटिलाइज कीजिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहिए सो दैट आने वाले टाइम में वो आपके लिए भी और सबके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है गाइस। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला करंट अफेयर है आपके सामने, मैंने लिख दिया है इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीस। कौन सा दिन? इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीस। खेलों के क्षेत्र में प्रगति और शांति के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये मनाया कब जाता है? 6 अप्रैल को। कब गाइस? 6 अप्रैल को। तो डे वाला क्वेश्चन आता ही है, हम डेली डिस्कस करते हैं एक दिन, और आज का ये है क्वेश्चन। और ये मनाया किसके द्वारा जाता है गाइस? ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये था दिन वाला क्वेश्चन। तो अभी तक अप्रैल में जितने भी हुए हैं हम रिवाइज कर देते हैं सो दैट हम भूले ना। मैं डेली रिवाइज करवाता हूँ, आप भी रिवाइज करते रहिए। अगर किसी को आते हैं वो दिन तो पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 अप्रैल को हमने मनाया था उड़ीसा डे। कौन सा? उड़ीसा डे, जिसे हम उत्कल दिवस भी कहते हैं, ठीक है गाइस। और 2 अप्रैल को हमने मनाया था इंटरनेशनल ऑटिज्म डे। कौन सा? इंटरनेशनल ऑटिज्म डे। और उसके बाद हमने मनाया था 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे। कौन सा? इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को हमने मनाया था नेशनल मैराइटाइम डे। कौन सा? नेशनल मैराइटाइम डे। और आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीस, ठीक है गाइस। तो ये था फर्स्ट करंट अफेयर, आई होप आपको समझ आ गया हो। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड करंट अफेयर पे, जो है हु इज अपॉइंटेड एज प्रेजिडेंट ऑफ नेस्को। Who is appointed as president of NESCOM? ठीक है guys, तो अब ये NESCOM क्या है? बहुत ही important organization है, इसके बारे में question बन ही जाता है exams में। तो NESCOM है guys, National Software and Services Companies। क्या है? NA से National, first वाले S से Software, third से Services और COM से Companies। National Software and Services Companies के नए president चुने गए हैं प्रवीण राव। कौन? प्रवीण राव। अब ये प्रवीण राव नेस्कॉम के चुने गए, तो नेस्कॉम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेस्कॉम की स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गाइस न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है गाइस। तो ये था सेकंड करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट। गाइस मैं बार बार आपको कहता हूँ, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए कमेंट्स में, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे, जो है द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड यस्टरडे हाउ मेनी परसेंट रिडक्शन इन सैलरी। तो आपको जैसे पता ही है गाइस, COVID-19 के चलते आर्थिक मंदी, पूरा विश्व मंदी झेल रहा है। तो कल भारतीय कैबिनेट ने डिसाइड किया है जितने भी उनके MPs हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी अगले 1 साल तक की सैलरी को कम कर दिया गया है। कितने परसेंट कम कर दिया गया ये प्रश्न है, तो 30%, ठीक है गाइस। काफ़ी राहत मिलेगी इकोनॉमी को भारत की, 30% रिडक्शन कर दी गई है MPs की सैलरी और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी सैलरी। इसके साथ साथ MPLAD जो फंड होता है, MPLAD मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड होता है, उसको भी 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वो 5 करोड़ होता है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा गाइस, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे, जो है हु हैज़ इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। स्पोर्ट्स से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आपको पता है स्पोर्ट्स से तो एग्जाम्स में आते ही हैं क्वेश्चन, और मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन वीडियो में सेशन में डालूँ। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिलेटेड है बास्केटबॉल से, और हु हैज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। ये देखिए एग्जाम में तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका सही आंसर है कोब ब्रायंट। कोब ब्रायंट, जी हाँ बिल्कुल, कोब ब्रायंट का इसी साल निधन हुआ है हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनकी बेटी भी उनके साथ थी। तो उसी की और उनको मरने के बाद, मरने उपरांत नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है गाइस। कोई मुझे बताएगा कोब ब्रायंट किस देश से थे और किस देश की बास्केटबॉल टीम के थे, और प्लीज़ बास्केटबॉल के क्लब का नाम भी बताइए उनके, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे, जो है वी सेफ टनल इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट। वी सेफ टनल इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट। ये वी सेफ टनल क्या है बेसिकली? ये भारतीय सरकार ने एक टनल बनाई है जिसके अंदर से हर इंसान को निकलना पड़ेगा 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड में वो टनल से चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से,
स्प्रे होगी, बहुत ही मिनिएचर स्प्रे होगी, और उससे क्या होगा, इंसान कम्प्लीटली सैनिटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वी सेफ टनल इंस्टॉल कर की गई है तेलंगाना में, कहाँ, तेलंगाना में, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तेलंगाना में की गई है, तो तेलंगाना के बारे में हम जान लेते हैं गाइस। तेलंगाना राज्य बना था 2 जून 2014 में, 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये राज्य बना था। इसकी कैपिटल है हैदराबाद और इसके सीएम का नाम है के चंद्रशेखर राव। क्या है, के चंद्रशेखर राव। और अगर गवर्नर का नाम जानना है तो इनके गवर्नर का नाम है तमिल साउंड राजन। क्या है, तमिल साउंड राजन, ठीक है गाइस। तो ये था फिफ्थ करंट अफेयर, और बढ़ते हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे, जो है तो सिक्स करंट अफेयर है, इन विच कंट्री अ टाइगर वॉज इन्फेक्टेड विद COVID-19। बहुत ही डेंजरस न्यूज़ है, बिकॉज अभी अभी एक देश में टाइगर को भी COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है। तो हमें उस देश का नाम बताना है, तो उस देश का नाम है गाइज अमेरिका। क्या नाम है, अमेरिका के एक जू में टाइगर भी COVID-19 के चपेट में आ चुका है, ठीक है। तो ये अब अमेरिका में पाया गया, तो अमेरिका के बारे में हम जान लेते हैं। USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC, और इनके प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर के प्रेसिडेंट है यूएसए के, वो है 45th नंबर के प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं, मतलब वो कितनी स्टेट से मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिला, ये क्वेश्चन आया हुआ है पंजाब पटवारी में। तो ये बना है 50 स्टेट्स में, ठीक है। और इन्होंने जो इनकी अलास्का सिटी है वो खरीदी थी रूस से, किससे खरीदी थी, रूस से। तो ये भी थोड़े बहुत पॉइंट्स याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे, जो है विच फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी हैज एक्सटेंडेड टेन्योर फॉर 6 मंथ्स। हमें उस मेंबर का नाम बताना है जो जिसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसको रिटायर होना था लेकिन अब उसे 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सेबी का वो अध्यक्ष है, उनका नाम है माधवी पुरी बूच। क्या नाम है, माधवी पुरी बूच। अब सेबी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है, SEBI की फुल फॉर्म लिख लीजिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके प्रेसिडेंट है अजय त्यागी। क्या है, अजय त्यागी, ठीक है गाइस। ये थोड़ी सी डिटेल आप इससे याद रखना, ये एग्जाम्स में अभी जो SBI का एग्जाम आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे, जो है ऑपरेशन संजीवनी स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ऑपरेशन संजीवनी, तो गाइज ये की गई है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा स्टार्ट। किसके द्वारा, इंडियन एयरफोर्स। बेसिकली ये क्या है, इंडियन एयरफोर्स अपने विमान भारतीय सरकार को प्रोवाइड करवाएगी, जिसके थ्रू वो कार्गो का मतलब ट्रांसफ़र करेगी, मतलब देश में किसी भी जगह पे अब कुछ भी राशन की या मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो इंडियन एयरफोर्स आगे आई है कि हम हेल्प करेंगे उनको पहुँचाने में, ठीक है, कार्गो डिलीवरी करने में। तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन संजीवनी नाम दिया है, इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया है। तो ये इंडियन एयरफोर्स ने किया है, तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी, 1932 में, ठीक है गाइस, 1932 में इंडियन एयरफोर्स फाउंड हुआ था। तो अभी भारत के चीफ कौन है इंडियन एयरफोर्स के, वो है RKS भदौरिया। क्या नाम है उनका, RKS भदौरिया, ठीक है गाइस। तो इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से याद रखना। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। पहले तो कि COVID-19 के लिए पहला कॉल सेंटर किस कंपनी के द्वारा खोला गया है, और दूसरा कहाँ खोला गया है, ठीक है। तो पहला कॉल सेंटर भारत में COVID-19 के लिए खोला गया है HCL कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, HCL के द्वारा। और कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है गाइस नोएडा में। कहाँ, नोएडा में। तो अब आपके लिए क्या होमवर्क है, आपको मुझे ये बताना है कि HCL के बारे में जितने भी आप फैक्ट्स डिटेल ढूंढ सकते हैं, कब फाउंड हुआ, कौन इसके हेड है भारत के, क्योंकि अब HCL करंट अफेयर की न्यूज़ में है तो HCL से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है गाइस। तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, और कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट्स कीजिएगा। और ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर इसी में से क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बार बार श्योरिटी से कह रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं हम अपने कल के सेशन में नई क्लास लेके और नई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। थैंक यू, बी सेफ, हैव अ नाइस डे।